वहीं देश के कई हिस्सों से मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मॉनसून से राहत नहीं मिलने वाली। हिमाचल में 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग केंद्र के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि कच्छ सहित देश के कुछ हिस्सों से मॉनसून की वापसी हुई है। तो वही हिमाचल प्रदेश में फिलहाल अभी मॉनसून जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बीते 3-4 दिनों से मौसम साफ बने रहने से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वहीं शिमला में 2 दिन पहले ही तापमान 26 डिग्री तक पहुंच गया है। इस समय हमारे बीच मौजूद है मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव जी। जानना चाहेंगे खासकर जो 3 वर्षों की बात करें तो जो तापमान में अत्यधिक वृद्धि हुई है, खासकर हम बात करें कांगड़ा के धर्मशाला और शिमला में, और ये भी जानना चाहेंगे कि खासकर अब जो पश्चिमी विक्षोभ कब सक्रिय होगा। जी सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे कि खासकर जो ये मौसम है कब तक गर्म रहेगा और पश्चिमी विक्षोभ फिर कब सक्रिय होगा। नमस्कार। जो ये एक कह सकते हैं कि चूंकि हमारे पास इनफॉल एक्टिविटी में लास्ट 2 से 3 दिनों में काफ़ी कमी आई थी, और उसके चलते जो है देखेंगे कि जो टेम्परेचर हमारे पास पूरे रीजन में बढ़ा था, हिमाचल प्रदेश में बढ़ा था, और जो केलांग में है टेम्परेचर 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड कल रिकॉर्ड किया गया था, और लास्ट ईयर भी देखेंगे कि हमारे पास सितंबर के महीने में 27.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, साथ ही 2020 में लगभग 28 डिग्री के आसपास भी चला गया था। तो जो टेम्परेचर है आप कहते हैं लास्ट 3 ईयर्स में सबसे हाइएस्ट टेम्परेचर कल हमारे पास रिकॉर्ड किया गया है, और चूँकि बारिश में कमी आई थी इसके चलते इस तरह के हमारे पास सिचुएशन बनी थी। और जहाँ तक कि आगे आने वाले दिनों की बात है तो अभी हमारे पास 25 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी फिर से एक बार स्टार्ट होगी, तो 25, 26, 27 में हिमाचल पूरे हिमाचल प्रदेश में हल्की सी मध्यम बारिश होने के चांसेस है, और साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के लिए हमने 25, 26, 27 में येलो कलर में चेतावनी भी जारी की हुई है। जी सर, अगर देखा जाए जो जुलाई अगस्त सितंबर में सामान्य से अधिक वर्षा कौन से जिले में हुई है? देखिए काफ़ी ज़िले हैं जिनमें हमारे पास सामान्य से ज़्यादा वर्षा हुई है, लेकिन लाहौल स्पीति है और किन्नौर के आसपास है तो वहाँ पर कम थोड़ी वर्षा हुई है। अदरवाइज़ अगर आप पूरे सीजन का देखेंगे तो आज की डेट में हमारे पास -20% है, और जो ±19% होता है वो नॉर्मल की रेंज में आता है। जी, ये थे मौसम विभाग के निदेशक। इनका कहना है कि जो 25 सितंबर के बाद जो मौसम है फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। कांशी शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।